नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 22 नवंबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीएसएससी बिहार ने 100 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। बिहार में अगले साल बेहतर हो जाएंगी 25 जिलों की ग्रामीण सर्वे। सोनपुर मेले में जल जांच की सुविधा ने खींचा लोगों का ध्यान। राष्ट्रीय नृत्य उत्सव में बिहार के लोक नृत्यों का दिखेगा जलवा। आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच आखिरी T20 सीरीज मैच। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीएसएससी बिहार ने 100 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने सीनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट पोस्ट के विभिन्न डिसिप्लिन में कुल मिलाकर 100 रिक्तियों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी किया है। इन पदों के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को रिलेवेंट डिसिप्लिन में पोस्ट ग्रेजुएट लेवल डिग्री पास होने के साथ ही 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। ऑनलाइन आवेदन की 22 नवंबर से 24 दिसंबर 2022 तक तिथि निर्धारित की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट https://bssc.bihar.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। बिहार में अगले साल बेहतर हो जाएगी 25 जिलों की ग्रामीण सड़कें। बिहार रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के तहत करीब 270 किलोमीटर लंबाई की ग्रामीण सड़कों के मेंटेनेंस के लिए करीब 1,239 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि अगले महीने से सड़कों को बेहतर बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा, जो कि साल 2023 तक पूरी कर ली जाएगी। बता दें कि इसके तहत 25 जिलों में सड़कों की मरम्मत की जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के तहत फेज 3 में नई सड़कों के निर्माण के दौरान उसकी चौड़ाई 3.75 मीटर से बढ़ाकर 5 मीटर तक कर दी जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के तहत जो ग्रामीण सड़कें बनाई जाती है उसकी लागत का 60% केंद्र और 40% राज्य सरकार वहन करती है। इन सड़कों के बेहतर होने से यातायात सुविधा आसान हो जाएगी और आर्थिक विकास में कृषि क्षेत्र का योगदान बढ़ेगा। बुद्ध अवशेष स्तूप इस वजह से है बेहद खास। बुद्ध अवशेष स्तूप वैशाली जिले में पटना के उत्तर पश्चिम में 55 किलोमीटर के आसपास स्थित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए एक संरक्षित स्थल है। बता दें कि इस स्तूप का निर्माण 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक मिट्टी के स्तूप के रूप में लिच्छविस द्वारा किया गया था। बाद में 1958 से 1962 के दौरान पटना स्थित केपी जायसवाल शोध संस्थान के तत्वावधान में किए गए पुरातात्विक उत्खनन में स्तूप की खोज की गई। स्तूप के मूल से खुदाई किए गए अवशेष कास्केट में पृथ्वी के साथ मिश्रित भगवान बुद्ध की पवित्र राख, शंख का एक टुकड़ा, मोतियों के टुकड़े, एक पतली सुनहरा पत्ती और एक तांबे के पंच चिन्हित सिक्का शामिल थे। कास्केट का सन 1972 में पटना संग्रहालय में लाया गया था। जानकारी के लिए बता दें कि भगवान बुद्ध के पार्थिव शरीर के 8 भागों में से एक का महापरिनिर्वाण प्राप्त करने के बाद यहां रखा गया था। यही वजह है कि यह बौद्धों के लिए सबसे श्रद्ध स्थलों में से एक है। यहां स्थान पर्यटन के लिहाज से भी लोगों के बीच काफी पसंद किया जाता है। बिहार में उत्पाद विभाग को मिले दबाव। बीते दिन सोमवार को उत्पाद आयुक्त सह निबंधन के महानिरीक्षक बी कार्तिकेय धनंजय की द्वारा नालंदा जिले के राजगीर स्थित CRPF कैंप के मध्य निषेध एवं उत्पाद विभाग के जवानों को दीक्षांत समारोह में राष्ट्र सेवा की शपथ दिलाई गई। बता दें कि ये सभी जवान 6 माह की विशेष ट्रेनिंग कर राष्ट्र की सेवा के लिए दक्ष हो चुके हैं। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा है कि आप सभी जवानों को CRPF के द्वारा विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। यह प्रशिक्षण आपकी अपनी आगे की सेवा तथा व्यक्तिगत जीवन में सहायता देगा। उन्होंने कहा कि अब आपका आने वाला जीवन महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों से भरा होगा। आप सभी अपनी ड्यूटी पूरी तत्परता, निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ पूरा करेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान CRPF कैंप के पुलिस उप महानिरीक्षक सह प्राचार्य संजय कुमार, कमांडेंट अरविंद कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। सरकार की रडार पर बिहार के दवा व्यापारी।
राज्य में बढ़ती दवाओं की कालाबाजारी और मनमानी कीमतों को देखते हुए केंद्र सरकार के निर्देश पर सरकार के द्वारा मूल्य अनुश्रवण एवं संसाधन इकाई का गठन करते हुए इसकी अध्यक्षता स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के जिम्मे सौंप दी गई है। इसके अलावा इकाई में 6 सदस्य भी मनोनीत किए गए हैं। बता दें कि गठित की गई यह इकाई औषधि नियंत्रण निदेशालय के तहत काम करेगी। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि बिहार 15वां राज्य है जहां यह इकाई गठित की गई है, जिसका मकसद है कि दवाओं के कालाबाजारी और मनमानी कीमतों पर रोक लगाया जा सके। वहीं अब राज्य की सभी दवा की दुकानें इस इकाई के रडार पर होगी, जो यह सुनिश्चित करेगी कि उपभोक्ता को सही मिली में दवाई की आपूर्ति हो रही है या नहीं। मिली जानकारी के अनुसार राज्य में ऐसे 40,000 दवा की दुकानें हैं जो मनमानी ढंग से दवाओं को बेचते हैं। सोनपुर मेले में जल जांच की सुविधा ने खींचा लोगों का ध्यान। विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला इस बार कई वजहों से सुर्खियों में है। इस बीच खबर यह आ रही है कि सोनपुर मेले में एक पीएचईडी का भी स्टॉल लगाया गया है, जो पानी शुद्धता की जांच की सुविधा देता है। पीएचईडी की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी में लोगों को आर्सेनिक से बचने के उपाय और आर्सेनिक क्या है, आर्सेनिक की जांच किस प्रकार होगी, इसकी जानकारी मेले में आए लोगों को दी जा रही है। प्रदर्शनी में लगाए गए स्टॉल में जल जांच की भी सुविधा विभाग की ओर से उपलब्ध कराई गई है। कोई भी व्यक्ति अपने घर से जल लेकर प्रदर्शनी में उसकी जांच के लिए ला सकता है। जल जांच के बाद उसकी रिपोर्ट 2 घंटे के अंदर उपलब्ध करा दी जाएगी। विदेश से गया आए लोग ठहर सकते हैं केवल इन होटलों में। गया आने वाले विदेशी पर्यटकों की जानकारी गया जिला मुख्यालय में विदेशी शाखा के द्वारा रखी जाती है। वहीं अब विदेशी पर्यटकों को ठहरने को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा निर्णय लिया गया है। बता दें कि अब गया आने वाले विदेशी पर्यटक केवल खास होटलों में ही ठहर सकेंगे। ये सभी खास होटल विदेश से आने वाले लोगों से जुड़ी पूरी जानकारी विदेशी शाखा को उपलब्ध कराएंगे, जिसमें विदेशी लोग किस देश के हैं, कितने दिनों तक रहेंगे, किस कारण से बोध गया आए हैं, इस तरह की सारी जानकारी शामिल होंगी। वहीं होटल अगर किसी विदेशी पर्यटक को ठहराना चाहता है तो उसे विदेशी शाखा से पहले अनुमति लेनी होगी। मिली जानकारी के अनुसार गया में कुल 150 होटल है, जिनमें से 68 होटल ही ऐसे हैं जो विदेशी पर्यटकों के ठहरने की जानकारी देते हैं। वहीं बचे 82 होटल वैसे हैं जो विदेशी पर्यटकों के ठहरने की जानकारी विदेशी शाखा से छिपा लेते हैं। बिहार में और 7 लाख लीटर बढ़ेगी दूध प्रसंस्करण की क्षमता। राज्य में अब जल्द ही दूध के प्रसंस्करण की क्षमता में बढ़ोतरी होगी, जिसके बाद बिहार में अब 2 नई यूनिट और 1 पुरानी यूनिट की क्षमता के विस्तार के बाद रोजाना 36 लाख लीटर दूध प्रसंस्करण की क्षमता से बढ़कर 43 लाख लीटर से अधिक तक बढ़ सकता है। बता दें कि पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग इन तीनों यूनिटों के उद्घाटन में जुट चुका है। बताते चले कि राज्य में नई यूनिट सीतामढ़ी और पूर्णिया में है, जहां के रोजाना दूध के प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ाकर 4 लाख लीटर और 2 लाख लीटर कर दिया गया है। वहीं पुरानी यूनिट भागलपुर में स्थित है, जिसके प्रसंस्करण क्षमता को भी बढ़ाकर दुगनी कर दी गई है। जानकारी के लिए बता दें कि इन तीनों यूनिटों में दूध प्रोसेसिंग की क्षमता को बढ़ाने पर राज्य में लगभग 1 लाख किसानों को लाभ मिल सकेगा। राष्ट्रीय राजधानी तक पहुंची बिहार की शिक्षिका की ये खास पहल। बच्चों को पढ़ाई आसान लगे इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि विद्यार्थियों को पढ़ाया जाने वाला पाठ और सिलेबस आसानी से समझ में आना चाहिए, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षकों के ऊपर होती है। इस बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक शिक्षिका द्वारा बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जा रहा है, जिसकी सराहना हर कोई कर रहा है। यहां तक कि केंद्र सरकार शिक्षा मंत्रालय में ओएसडी सह शिक्षा सचिव संजय कुमार ने खुद ट्वीट कर लिखा है कि वो ऐसे स्कूल में जाना पसंद करेंगे। दरअसल बिहार के बांका जिले के कटोरिया प्रखंड के पूर्णत मध्य विद्यालय कठौन में शिक्षा के प्रति बच्चों में रुचि जगाने, आसानी से पाठ्यक्रम की समझ बनाने एवं स्कूल में बच्चों का ठहराव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचालित चहक FLN अंतर्गत कार्यक्रम शिक्षिका खुशबू कुमारी द्वारा बच्चों की गतिविधियों को रिकॉर्ड किया गया है। बिहार में आज क्या रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में आज सुबह का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस है। हवा, नमी और अन्य मौसम की स्थितियों जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए तापमान 16 डिग्री जैसा महसूस हो सकता है। बिहार में सुबह बारिश की संभावना 0% है और हवा की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। वहीं बिहार में आज दोपहर के समय तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और यह 29 डिग्री सेल्सियस जैसा महसूस होगा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा की गति के साथ आर्द्रता लगभग 31%
औसत रहेगी। इसके साथ ही शाम तक तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। बिहार में शाम के समय बारिश की संभावना 0% है। साथ ही हवा की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। वहीं अगर आज के रात के तापमान की बात की जाए तो रात का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और हवा की गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे रमेश चंद्र झा की। रमेश चंद्र झा भारतीय स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय क्रांतिकारी थे और इसके साथ ही वे हिंदी मैथिली के कवि, उपन्यासकार और पत्रकार भी थे। उनकी कविताओं, कहानियों और गजलों में जहां एक तरफ देशभक्ति और राष्ट्रीयता का स्वर है, वहीं दूसरी तरफ मानव मूल्यों और जीवन के संघर्षों की भी अभिव्यक्ति है। उन्होंने अपने और सपने चंपारण की साहित्य यात्रा नाम के एक शोध परक पुस्तक में चंपारण की समृद्ध साहित्यिक विरासत को बखूबी सहेजा है। रमेश चंद्र झा का समय असहयोग आंदोलन के बाद और नमक सत्याग्रह के पहले का है, जो भारतीय स्वाधीनता के महासमर की आधारशिला भी कही जाती है। ये केवल 14 वर्ष की उम्र में ही ये स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में कूद पड़े थे। रमेश चंद्र झा 9/1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए इन्हें 15 अगस्त 1972 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा ताम्र पत्र देकर पुरस्कृत किया गया था। वहीं 2 अक्टूबर 1993 को रानीगंज पश्चिम बंगाल में आयोजित अखिल भारतीय भोजपुरी सम्मेलन में डॉक्टर उदय नारायण तिवारी सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया था। राष्ट्रीय नृत्य उत्सव में बिहार के लोक नृत्यों का दिखेगा जलवा। राष्ट्रीय नृत्य उत्सव वंदे भारत में बिहार के लोक नृत्यों का भी जलवा दिखाई देगा। बता दें कि इस कार्यक्रम का आयोजन गणतंत्र दिवस के मौके पर 2023 में केंद्र सरकार की ओर से भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की ओर से नई दिल्ली में की जा रही है, जिसके लिए देश भर के कई नृत्यकारों और नृत्य दलों को कई चयन प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है और अंत में कुछ ही नृत्यकारों और नृत्य दलों का चयन किया गया है जो वंदे भारत में अंतिम रूप से अपना प्रदर्शन दे सकेंगे। मिली जानकारी के अनुसार इस कार्यक्रम के 17 से 30 साल के युवा नर्तक नर्तकियों का चयन किया गया है। बताते चले कि देश भर के सभी नर्तक नर्तकियों से 15 अक्टूबर से 4 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। वहीं बिहार से केवल 19 कलाकारों का ही चयन किया गया है, जो अपनी प्रस्तुति 21 जनवरी को निर्णायकों के समक्ष रखेंगे, जिसके बाद चयन किए गए कलाकार ही गणतंत्र दिवस पर प्रस्तुति दे सकेंगे। माउंटेन मैन से प्रेरित होकर बिहार दौरे पर निकले सुनील गुरु। माउंटेन मैन दशरथ मांझी से प्रेरित होकर गया जिले के वजीरगंज के रहने वाले सुनील गुरु हाथ में तिरंगा और सिर पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने वाली टोपी पहनकर बिहार दौरे पर निकल गए हैं। बता दें कि वे इस बिहार दौरे के दौरान 2 करोड़ बिहारियों का हस्ताक्षर करवाकर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देंगे और केंद्र सरकार के सामने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग रखेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि सुनील ने अपने इस दौरे की शुरुआत एकला चलो मार्ग से की थी और अब वे बिहार के मोतिहारी, बक्सर, कैमूर, पटना, नालंदा, जहानाबाद समेत 18 जिलों की यात्रा करके अब गया पहुंच चुके हैं। इस यात्रा का आरंभ 2021 में ही किया गया था, लेकिन कोरोना की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया था, जिसके बाद एक बार फिर माउंटेन मैन दशरथ मांझी के पुण्यतिथि पर अगस्त महीने से शुरुआत की गई। महावीर कैंसर संस्थान कैंसर मरीजों को देने जा रहा नई सुविधा। राजधानी पटना का महावीर कैंसर संस्थान अपने यहां आने वाले कैंसर पीड़ितों के लिए नई व्यवस्था करने जा रहा है। यह संस्थान कैंसर के विभिन्न रूपों से जूझ रहे रोगियों के इलाज के लिए देश की सबसे बड़ी धर्मशाला बनाने के लिए तैयार है। इस हॉस्पिस केयर का निर्माण महावीर मंदिर न्यास समिति की जमीन पर किया जाएगा, जो पटना एम्स से पहले पटना औरंगाबाद मुख्य मार्ग पर बोझा चक में स्थित है। कैंसर से इस लड़ाई में अस्पताल स्वैच्छिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, मनोवैज्ञानिकों और योग प्रशिक्षकों के साथ मिलकर काम करेगा, ताकि कैंसर जैसे गंभीर रोग से जूझ रहे रोगी और उनके परिवार के सदस्यों को सही माहौल और वातावरण प्रदान किया जा सके। अक्षरा सिंह के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह को कोर्ट से राहत मिल गई है। बता दें कि कोरोना संक्रमण के दौरान लालगंज के पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला के भतीजे के उपनयन संस्कार पर आयोजित कार्यक्रम में अक्षरा सिंह के द्वारा प्रस्तुति दी गई थी और इस दौरान ही उन्होंने कोरोना के नियमों का उल्लंघन भी किया था। वहीं अक्षरा के प्रस्तुति के दौरान फायरिंग का एक वीडियो वायरल हो गया था, जिसके बाद अक्षरा सिंह, पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला, उनकी पत्नी अनु शुक्ला और बॉडीगार्ड के खिलाफ वायरल वीडियो के आधार पर लालगंज थाने में FIR दर्ज कर दी गई थी, जिसके बाद
10 नवंबर को पुलिस के द्वारा अक्षरा के पटना के कंकड़बाग स्थित आवास पर नोटिस चिपका दिया गया था। इसी मामले को लेकर बीते दिन सोमवार को कोर्ट के द्वारा उन्हें सुनवाई के दौरान जमानत दे दी गई। आज से शुरू होगा आरजेडी का जनता दरबार। आज यानी मंगलवार से राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिस में भी जनता का दरबार लगेगा। आरजेडी के प्रधान महासचिव और राजस्व एवं भूमि सुधार तथा गन्ना उद्योग विभाग के मंत्री आलोक कुमार की ओर से जो आधिकारिक जानकारी दी गई है, उसके अनुसार इस कार्यक्रम की शुरुआत उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के निर्देश पर आरजेडी के वीरचंद पटेल मार्ग स्थित प्रदेश कार्यालय में दिन के 1 बजे से 3 बजे तक जनसुनवाई की जाएगी और इसमें दो विभाग के मंत्री मौजूद होंगे। इस दौरान मंत्री आलोक कुमार और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री मोहम्मद इसराइल मंसूरी के द्वारा उनके विभाग से जुड़ी फरियादें सुनी जाएंगी और उसका निवारण किया जाएगा। कुढ़नी उपचुनाव के लिए बीजेपी की चुनावी तैयारी। बिहार विधानसभा की कुढ़नी सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर बीजेपी पूरी ताकत के साथ जनसंपर्क में जुट गई है। वहीं मंगलवार से यानी कि आज से चुनाव प्रसार में और भी तेजी होने की आशंका है। बता दें कि 27 नवंबर को पूरे कुढ़नी क्षेत्र में बड़े स्तर पर जनसंपर्क किया जाएगा और उस दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 320 बूथों पर मन की बात कार्यक्रम आयोजित की जाएगी। इसके अलावा बीजेपी नेतृत्व के द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि उनकी पार्टी के सभी नेताएं 27 तारीख को संबोधित मतदान केंद्र पर मौजूद रहे। जानकारी के लिए बता दें कि बीजेपी की ओर से पूर्व विधायक केदार प्रसाद गुप्ता को उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया गया है। इस चुनाव 2020 में राजद कैंडिडेट अनिल सहनी ने बीजेपी प्रत्याशी केदार गुप्ता को महज 712 मतों से पराजित किया था। बीजेपी ने मुकेश सहनी को बताया अपना भाई। बिहार में कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव से पहले बीजेपी ने वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व मंत्री मुकेश सहनी को अपना भाई बताया है और साथ ही उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। उन्होंने एक निजी चैनल से बातचीत करने के दौरान यह कहा था कि राजनीतिक तौर पर हमसे कोई भी लड़ सकता है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर हमारे मुकेश सहनी से कोई दुश्मनी नहीं है। मुकेश सहनी चुनाव हार गए थे, लेकिन फिर भी बीजेपी ने उन्हें एमएलसी और फिर मंत्री बनाया था। उन्होंने आगे तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा कि आज भी राजद सुप्रीमो लालू यादव के नाम पर ही तेजस्वी यादव को वोट मिल रही है। वहीं नीतीश कुमार अब बिहार की राजनीति में अप्रासंगिक हो गए हैं। उनका जनाधार खत्म हो चुका है। अब उनकी पार्टी में सीएम के अलावा कोई दूसरा नेता नहीं बचा है। प्रशांत किशोर क्यों करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विरोध, बताई असली वजह। आए दिन प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते नजर आते हैं, लेकिन अब उन्होंने इसकी असली वजह बता दी है और साथ ही यह भी बताया है कि पहले के नीतीश और आज के नीतीश में जमीन आसमान का अंतर है। उन्होंने कहा कि अगर हम 2014 के पहले के नीतीश को देखते हैं तो हम पाएंगे कि उन्होंने बिहार के लिए बहुत काम किया है। वहीं अगर आज की बात करें तो आज के समय वे चुनाव हार गए हैं, फिर भी वे जुगाड़ से मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने जिस नीतीश के लिए प्रचार किया था वो ऐसे आदमी थे जिन्होंने बिना चुनाव हारे हुए पक्ष छोड़ दिया था, लेकिन आज मैं जिस नीतीश के विरुद्ध खड़ा हूं वे कुर्सी पर फेविकॉल लगाकर बैठ चुके हैं। आज उनकी प्राथमिकता यह बन गई है कि वे केवल मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। जब उन्होंने अच्छा काम किया था तो हम उनके साथ थे और आज नहीं कर रहे हैं तो उनके विरुद्ध में खड़े हैं। ललन सिंह का आरोप, भावनाओं को भड़का कर मोदी तसीलते हैं वोट। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाया है। दरअसल ललन सिंह ने मोदी सरकार पर यह आरोप लगाया है कि इस सरकार भावनाओं को भड़काकर वोट लेती है। बीते दिन ललन सिंह पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में विजयी हुए जदयू छात्र संगठन का अभिनंदन करते हुए कहा कि वर्ष 2024 में फिर से लोकसभा चुनाव होगा, उस समय मोदी सरकार के केंद्र में 10 साल हो जाएंगे। इन 10 सालों में उन्होंने क्या किया इसका मोदी के पास कोई जवाब नहीं होगा। वे सिर्फ भावनाओं को भड़का करके वोट लेते हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में जब जदयू की ओर से हम वोट मांगने जाते थे तब लोग कहते थे उनके बच्चे बिहार के बाहर के राज्यों से कॉलेज छोड़कर आए हैं। वे माता पिता से मोदी को वोट डालने कहते थे क्योंकि उन्हें सालाना 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया गया था, लेकिन अब तक मोदी का वादा पूरा नहीं हुआ है बल्कि युवा छले गए हैं। फर्जी या पेड रिव्यू दिखाने वाली कंपनियों को लग सकता है 10 लाख तक का जुर्माना।
ई कॉमर्स कंपनियों के लिए केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत फेक रिव्यू और पेड रिव्यू पर रोक लगेगी। नई गाइडलाइन के तहत कंपनियों के दोषी पाए जाने पर 10 लाख का जुर्माना भी लग सकता है। यह गाइडलाइन आगामी 25 नवंबर से लागू कर दिया जाएगा। दरअसल हम सभी जब कोई नया प्रोडक्ट खरीदते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में जानना चाहते हैं कि हमसे पहले जिन लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है उनका इस प्रोडक्ट को लेकर क्या कहना है। इसी बीच बहुत सारी कंपनियां पेड या फेक रिव्यू करवाती है। इसी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने यह नया नियम लेकर आई है, जिसके बाद पेड और फेक रिवेन्यू पर लगाम लगाया जा सकेगा। आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच आखिरी T20 सीरीज मैच। आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले T20 इंटरनेशनल सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच है। बता दें कि सीरीज का पहला मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था, तो वहीं इस सीरीज का दूसरा मैच 20 नवंबर को खेला गया है, जहां भारत ने 65 रनों के बड़े अंतर से जीत हासिल कर न्यूजीलैंड से 1-0 से आगे है। टीम इंडिया के लिए सूर्य कुमार यादव ने 51 गेंदों में 111 रन की नाबाद पारी खेली थी। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 18.5 ओवर में 126 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु करने के प्रस्ताव को 1968 में लोकसभा से स्वीकृति मिली। भारत और पाकिस्तान ने 1971 में एक दूसरे की हवाई सीमाओं का उल्लंघन किया और दोनों देशों के बीच हवाई संघर्ष शुरू हुआ। सन 1979 को आज ही के दिन मंगल, शुक्र, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और चंद्रमा एक ही सीध में आए। भारत की डायना हेडर 1969 में विश्व सुंदरी बनी। हिंदी के प्रख्यात कवि कुंवर नारायण को वर्ष 2005 के ज्ञानपीठ पुरस्कार हेतु चुना गया। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 2008 में अपना पद छोड़ने की धमकी दी थी। भारत की प्रथम महिला चिकित्सक रुक्मा बाई का जन्म 1864 में हुआ था। नौकायान में भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ियों में गिने जाने वाले पुष्पेंद्र कुमार गर्ग का जन्म 1963 में हुआ। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी शहीद लक्ष्मण नायक का जन्म 1899 में हुआ। प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ तथा कट्टर सिख नेता तारा सिंह का निधन 1967 में हुआ। हिंदी और भोजपुरी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार विवेकी राय का निधन 2016 में हुआ। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे आधार कार्ड धारकों को लोन मुहैया कराने के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे आधार कार्ड धारकों को लोन मुहैया कराने के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि यह दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार सभी आधार कार्ड धारकों को 4,78,000 का लोन मुहैया करा रही है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि दावे पूर्णतः फर्जी एवं तथ्यहीन है। ऐसे मैसेज फॉरवर्ड न करें और अपना व्यक्तिगत वित्तीय विवरण किसी के साथ साझा न करें। गूगल चैट में यूजर्स को मिलेगा अब यह नया फीचर। अक्सर देखा जाता है कि यूजर्स को अपने वर्कस्पेस में लंबी बातचीत रखना मुश्किल हो जाता है। इसी को देखते हुए गूगल के द्वारा स्पेसेस में संदेशों के लिए गूगल चैट में कन्वर्सेशन समरीज का फीचर पेश किया गया है, जिसके तहत अब यूजर्स को प्रीमियम वर्क स्पेस में चैट में बातचीत का सारांश मिल जाएगा। बता दें कि अब आपके चैट का सारांश आपके वर्क स्पेस में स्पेसेस के अंदर चैट के शीर्ष पर दिखाई देगा। इसके लिए बस आपको स्पेस चैट के सारांश पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको स्वचालित रूप से जनरेट किए गए सारांश वाला कार्ड दिखाई देगा। वही कार्ड में चर्चा किए गए विभिन्न विषयों के सारांश की एक लिस्ट भी शामिल होगी। जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल ये सुविधा केवल गूगल वर्कस्पेस बिजनेस ग्राहकों के लिए ही दी गई है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कुश कुमार यादव, आलोक मेहता, मृत्युंजय कुमार, विरमानी सिंह, रविंद्र पासवान, शंकर मुखिया, अनिल वर्मा, रविशंकर, मोहम्मद सकीर हुसैन, राम प्रवेश कुमार, मनोज कुमार, बाबूलाल मरांडी, धर्मेंद्र कुमार नेहरा, नुन्नू गोलू कुमार, प्रहलाद कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में लगने वाला प्रसिद्ध मेला कौन सा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।